नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के नई किताबें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना है जो पुस्तकें बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमें प्राप्त होती हैं। लेखक, पाठक और आलोचक अपनी पसंद की पुस्तकें तो भेजते हैं, अपनी पुस्तकें भी भेजते हैं, लेकिन प्रकाशक अपने नए प्रकाशन भी हमें इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए भेजते हैं। आज पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित जो पुस्तकें हैं, उनके विविध उपक्रमों से मैं उनकी जानकारी दूंगा कि इस सप्ताह पेंगुइन ने हमें कौन सी किताबें भेजी। तो पेंगुइन रैंडम हाउस से जो पुस्तक आई है उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की यादगारी कहानियाँ, जाहिर है ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह पुस्तक है, उनका कहानी संग्रह है। दूसरी जो पुस्तक हमें प्राप्त हुई है उसका नाम है किस्से कॉफियाना, यह दुष्यंत की पुस्तक है, यह दुष्यंत का कहानी संग्रह है। तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है उफ मन्नो, यह अमिता ठाकुर की पुस्तक है, ये भी पेंगुइन रैंडम हाउस से हमें प्राप्त हुई है। अंग्रेजी में नेशनल बेस्ट सेलर रही लीप फ्रॉग, आगे बढ़ने के 6 तरीके, ये मुकेश सूद और प्रियंका नारायण की पुस्तक है जो अंग्रेजी से अनुवादित हुई है। आजकल पेंगुइन अनुवादकों का नाम आवरण पृष्ठ पर नहीं दे रहा है, इसकी क्या वजह है पता नहीं। मंजीत ठाकुर ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन की ये पुस्तक हमें मिली है, ये भी पेंगुइन ने प्रकाशित की है। राहुल सांकृत्यायन की सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में एक है, और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी की दो पुस्तकें भी पेंगुइन रैंडम हाउस ने हमें भेजी है, जिनमें अरुंधति सुब्रमण्यम का वाइल्ड वुमेन, सीकर्स, प्रोटोगनिस्ट एंड गॉडेस इन सीक्रेट इंडियन पोएट्री, ये पोइट्री का कलेक्शन है अरुंधति सुब्रमण्यम का, और हिलाल अहमद की पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट, मुस्लिम्स इन न्यू इंडिया, यह पुस्तक भी हमें प्राप्त हुई है। इस तरह कुल 7 पुस्तकें पेंगुइन रैंडम हाउस ने हमें उपलब्ध कराई हैं। इस कार्यक्रम में हर शनिवार और रविवार को ठीक इसी समय मैं आपको नई किताबों की जानकारी लेकर, केवल प्राथमिक सूचना लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ। बुक कैफे में सोमवार से शनिवार तक मैं हर दिन शाम को 4 बजे किसी एक पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ, जिसमें विविध विधाओं की पुस्तकें सोमवार से बृहस्पतिवार तक, शुक्रवार को किसी कविता संग्रह पर, और शनिवार को अंग्रेजी की किसी पुस्तक के बारे में बताता हूँ कि उन पुस्तकों में क्या है। रविवार को 4 बजे इस कार्यक्रम में आपके किसी प्रिय रचनाकार के साथ उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, या किसी चर्चित पुस्तक पर शब्दरथी कार्यक्रम में मुखातिब होता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।